हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोमेटिकली पर्सनल अकाउंट डाटा के बारे में, जैसे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पर यहाँ पर सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली और आपका ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये एप्लीकेशन आती है कि उसको ओके करने होता है। ओके करते ही आपका ये ऑन हो जाता है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, मैसेज है, शेयर ओके है, शेयर करो है, व्हाट्सअप है, ऐड अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऑफ़ करके रखें और ओके कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।